हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का स्टेपिंग स्टोन मेथड, अगर सॉल्यूशन जो है वो डीजनरेसी वाला हो। हमने ये क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आता है, हम लिखते हैं स्टोन स्क्वायर इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट। इससे हमें ये पता चलता है हमारा सॉल्यूशन जो है वो डीजनरेसी वाला है या नॉन डीजनरेसी वाला है। तो सबसे पहले स्टोन स्केयर, स्टोन स्केयर में हम क्या देखते हैं, जो हमारे ओकोपाइड सेल्स हैं, जैसे कि ये कितने हैं टोटल 5, तो स्टोन स्केयर कितने हो जाएंगे 5। रिम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है m प्लस एन माइनस 1, m होता है नंबर ऑफ रोज 3 है, n नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, माइनस 1 ये आ जाएगा 7 माइनस 1 6। रिम रिक्वायरमेंट हमारे 6 आ गया है और स्टोन स्केयर कितने हैं 5। ये जो है ये अनइक्वल है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया, डीजेनरेसी वाला हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, एप्सिलन इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जो एप्सिलन है, अब क्या करते हैं, हम जो हमारे अनऑक्यूपाइड सेल है जैसे कि ये, इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एप्सिलन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, हम क्लोज लूप्स बनाते हैं। क्लोज लूप जो है हम वो अनऑक्यूपाइड सेल लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि ये हैं 10 11, ठीक है, इसका हम क्लोज लूप बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्लोज लूप है वो ऑक्यूपाइड सेल से बनता है, ठीक है। तो जैसे 10 से स्टार्ट करेंगे 4, 4 से 18, 18 से 20, 20 से 7, 7 से 2, 2 से फिर वापस, ये हमारा क्लोज लूप बन गया। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो उसके बाद हम जो कॉस्ट वैल्यू है वो लेते हैं, तो ये जैसे 10 है, 10 ले लेंगे, माइनस 4 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 2, ये हो गया, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 9। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल हमारा कौन सा है, 20, 20 का 13 ये हो जाएगा, इसका कैसे होएगा, क्लोज लूप 20 से 9, 9 से 7, 7 से 2, ये हो जाएगा। जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको लेते हैं हम प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कॉस्ट वैल्यू क्या है, 20 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 16। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा, 11 1 4, इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, 11 से 20, 20 से 7, 7 से 2, 2 से फिर वापस, जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, कॉस्ट वैल्यू क्या है, 11 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 2, इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अनऑक्यूपाइड सेल क्या है, 12 2 1, तो इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, 12 से 4, 4 से 18, 18 से 20, 20 से फिर वापस, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको लेते हैं प्लस माइनस, कॉस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12 माइनस 4 प्लस 18 माइनस 20, अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, 14 3 2, इसका क्लोज लूप कैसे बन जाएगा, 14 से 18, 18 से 20, 20 से 7, 7 से फिर वापस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 14 माइनस 18 प्लस 20 माइनस 7, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, 16 3 3, इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 9, 9 से फिर वापस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, कॉस्ट वैल्यू क्या है, 16 माइनस 18
प्लस 20 माइनस 9, इसको सॉल्व करके आ जाएगी हमारी वैल्यू 9। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इसमें से क्या करते हैं, हम सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, माइनस 4 है, माइनस 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 4 हमारा 1, 4 वाले में है, इसको ले लेंगे। इसमें हम इसका क्लोज लूप देखेंगे। इस क्लोज लूप में यहाँ पे हमें 15 दे रखा है, यहाँ पे 10 दिया है, इसमें से स्मॉलर वैल्यू लेंगे। स्मॉलर वैल्यू क्या है, 10। तो 10 को हम यहाँ से भी माइनस करते हैं, यहाँ से भी माइनस, और यहाँ प्लस करते हैं, और यहाँ पे भी प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे 15 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 10। यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिनल प्लस 10। जो भी हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भी माइनस करते हैं, यहाँ से भी माइनस, और यहाँ प्लस करते हैं, और यहाँ पे भी प्लस करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 माइनस 10 5, यहाँ पे 10 ही आ जाएगी, यहाँ पे एप्सिनल प्लस 10 10, 10 माइनस 10 0। अब जो वैल्यू आई है उसको लिख लेंगे, 5 10 10 0। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे चारों जगह। अब इस टेबल में क्या करेंगे, जो हमारी न्यू चारों वैल्यू आई है उनको यहाँ पे पुट कर दिया चारों जगह। अब हम क्या करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप जो हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम, अनऑक्युपाइड सेल। अनऑक्युपाइड सेल हमारे यहाँ पे क्या है, 10 11 है, इसको लेंगे। इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, यहाँ 10 से जो हम स्टार्ट करते हैं, जो क्लोज लूप बनते हैं वो हमारे ऑक्युपाइड सेल से बनता है। तो 10 से 4 ऑक्युपाइड सेल है, 4 से 18, 18 से 11, 11 से फिर वापस, ये बन गया क्लोज लूप। जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको प्लस लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 10, फिर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 18 माइनस 11, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 13। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल क्या है, 20, इसका लूप हमारा बन जाएगा 20 से 9, 9 से 7, 7 से 2, ये बन गया। अब यहाँ आ जाएगी वैल्यूज़, 20 आ जाएगी, माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल हमारा कौन सा है, 12 2 1, तो इसका क्लोज लूप हम बनाएंगे। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे, तो 12 से हमारा ऑक्युपाइड सेल कौन सा है, नेक्स्ट 7 है, 7 के बाद 2 है, 2 के बाद 11 है, 11 के बाद 18, 18 के बाद 4, फिर वापस, ये बन गया हमारा क्लोज लूप। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको प्लस लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 11 प्लस 18 माइनस 4, यहाँ लिख लिया, इसको सॉल्व करके आ गया 10। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल क्या है, 20 2 4, इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, 20 से हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑक्युपाइड सेल हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 20 से 7, 7 से 2, 2 से 11, ये बन जाएगा। जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको प्लस लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 11, इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, 14, तो 14 का हमारा क्लोज लूप कैसे बनेगा, 2 11 18, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको प्लस लेते हैं, तो आ जाएगी वैल्यू 14 माइनस 2 प्लस 11 माइनस 18, अब इन सबको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल क्या है, 16, इसका क्लोज लूप कैसे बनेगा, 16 से 9, 9 से 7, 7 से 2, 2 से 11, 11 से 18, 18 से फिर वापस। जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको लेते हैं हम प्लस, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 11 माइनस 18, अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 5। अब हमारे ये सारी वैल्यूज़ जो है ये पॉजिटिव आ गई हैं, तो हमारा ये सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। और इसके बाद हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
क्या करेंगे हम, 2 × 5 करेंगे प्लस 11 × 10 प्लस 7 × 10 प्लस 9 × 15 प्लस 4 × 5 प्लस 18 × 5। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 × 5 10 प्लस 11 × 10 110 प्लस 7 × 10 70 प्लस 9 × 15 135 प्लस 4 × 5 20 प्लस 18 × 5 90। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 435। ये हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से हम स्टेपिंग स्टोन मेथड में अगर हमारा सॉल्यूशन डी जनरेसी वाला हो तो उसको सॉल्व करते हैं।